मुझे पता चला है पिछले दो हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा, पाई पाई का हिसाब होने वाला है। साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं, झारखंड की सदियों पुरानी पहचान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। ये लोग और कांग्रेस में बैठे इनके आका झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है, इन्होंने कभी भी आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसलिए सत्ता में बने रहने के लिए लोग झारखंड में अपना एक नया वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड को बलि चढ़ा करके ये वोट बैंक का खेल चल रहा है। झारखंड की विरासत को बलि चढ़ाना, झारखंड की अस्मिता को बलि चढ़ाना, ये खतरनाक खेल, इनका खेल खतर कितना खतरनाक है ये संथाल परगना इसका जीता जागता सबूत है। संथाल परगना में आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। डेमोग्राफी में इतना तेज बदलाव आदिवासियों की, हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मैं आपसे पूछता हूं झारखंड में ये बदलाव आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में ये बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। जो यहां के गांव के इंसान को दिखता है वो सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिखता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि झारखंड में जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है, आदिवासियों की आबादी घट रही है। हालात ये हैं, हाईकोर्ट
इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ से इंकार कर देती है। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग झारखंड की पहचान को सुरक्षित रख पाएंगे क्या? घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या, ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए परिवर्तन यात्रा में हर परिवार ने एक नारा दिया, झारखंड के नागरिकों ने एक संकल्प सुनाया, झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था, एक आह सुनाई देती थी, एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। और परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है, और ये संकल्प है रोटी बेटी माटी, हमें इन तीनों को बचाना है। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। आप सब तैयार हैं? ये लड़ाई लड़नी है, घर घर लोगों को जगाना है, रोटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए, माटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए, बेटी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए, रोटी बेटी माटी बचाना है कि नहीं बचाना है, अब जागना है कि नहीं जागना है, अब निकल पड़ना है कि नहीं निकल पड़ना है। साथियों, यहां कुछ ही महीनों में बीजेपी सरकार बनेगी, और मैं झारखंड को गारंटी देता हूं, झारखंड में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, झारखंड में जब एनडीए की सरकार बनेगी, झारखंड में जब हमारी सरकार बनेगी, रोटी बेटी माटी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाएगी। साथियों, जेएमएम अब झूठे वादों की बदौलत अपने आप को बचाना चाहती है। जिन्होंने 5 साल तक जनता का हक छीना, अब वो चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको भरोसा जीतना चाहते हैं, आपकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं।